कहते हैं दोस्तों, किसी देश का फ्यूचर उसके नागरिकों पर निर्भर करता है और नागरिकों को एक बेहतरीन लीडर की जरूरत होती है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे लीडर के बारे में जानेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद बचपन से जवानी तक अनेक गम देखे पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी दादी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थीं। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के दून स्कूल में हुई और इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। सुरक्षा कारणों से उन्हें हार्वर्ड छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने फ्लोरिडा के रोलिंग्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में MPhil की डिग्री प्राप्त की। राहुल गांधी ने 2004 में औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में युवाओं को जोड़ने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 2007 में उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस IYC और राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI का नेतृत्व संभाला और इनके पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण चुनाव लड़े। उन्होंने देशभर में घूम घूम कर किसानों मजदूरों और छात्रों से संवाद किया और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उनकी कड़ी मेहनत का उदाहरण 2019 के आम चुनाव में देखने को मिला जब उन्होंने अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा और वहां से जीत हासिल की। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में कई जरूरी नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है जैसे रोजगार, कृषि संकट और सामाजिक न्याय। वे अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, खासकर जब यह आम जनता के हितों के खिलाफ जाती है। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं। राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI को लोकतांत्रिक तरीके से पुनर्गठित किया जिससे युवा पीढ़ी को राजनीति में प्रवेश का मौका मिला। उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई सामाजिक सुधारों की वकालत की है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उन्होंने किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण कानून GST और नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन किए। ध्यान केंद्रित करना, राहुल गांधी का ध्यान युवाओं को रोजगार प्रदान करने, गरीबों की स्थिति सुधारने और किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने पर रहा है। हालांकि राहुल गांधी को कई बार विपक्ष और मीडिया द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने हर चुनौती को दृढ़ता से लिया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा और अपनी पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में लगे रहे। राहुल गांधी का जीवन राजनीति में संघर्ष, परिश्रम और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। वे अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए विचारों और नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका समर्पण, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। राहुल गांधी एक निडर, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और देशभक्त इंसान है। इन्होंने भारत के नागरिकों करीब से जाना है। भविष्य में ये हमारे देश के लिए एक शानदार प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की राहुल गांधी जी की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर की अगली वीडियो में। जय हिंद।